नमस्ते, मैं डॉक्टर भरत गज्जर, डायरेक्टर शैलवी हॉस्पिटल से। आज आप लोगों के साथ कैसे सब्जेक्ट के साथ आना चाहता हूँ, और वो सब्जेक्ट है बुढ़ापे की समस्याएं, जो हर कोई महसूस करता है। आपके परिवार में भी आपको महसूस होता होगा। मेरे मानने में तो बुढ़ापा खुद एक समस्या है कि जब बूढ़े होते हैं तो आँख से दिखाई नहीं देता है, उम्र के हिसाब से कान में सुनाई नहीं देता है, दांत होते नहीं तो खा नहीं सकते, पचा नहीं सकते, और घुटने की वजह से घुटने घिस जाते हैं, जैसे आँख में मोती आता है ऐसे, तो घुटने के हिसाब से चल नहीं सकते। तो ऐसा हो गया कि बुढ़ापा जीने के लायक नहीं रहा है, इसलिए उसको मैं एक समस्या समझता हूँ। हम एक मिशन लेके चले थे 1994 में कि जो लाइफ स्पान के तीन स्टेज है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, हम उसको दो स्टेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बचपन और जवानी। यू वॉन्ट टू एलिमिनेट दिस बुढ़ापा वर्ड, समहाउ आई डोंट लाइक दिस वर्ड, मुझे शब्द बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक लगता है कि बुढ़ापा क्यों, आदमी बूढ़ा क्यों होना चाहिए? अगर अब आपके पास सब सुविधा है तो आदमी को बूढ़ा क्यों होने देना है? अपने को आँख में तकलीफ है, यू कैन गो टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आँख का कैटरेक्ट करा लो, जिंदगी भर जो सपने देखे हैं उन्होंने बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में देख नहीं सकते तो क्या फायदा है? दांत से खा नहीं सकते, जिंदगी भर कमाया, सामने अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी और खा नहीं सकते, वो भी जिंदगी जीने लायक नहीं है। तो आजकल अच्छे डेंटिस्ट भी अवेलेबल है, डेंटल इम्प्लांट डाल दो तो जैसे बचपन में खाते से चबा चबा के ऐसे खा सकते हो। कान में सुनाई नहीं देखता है, वो तो मैं मानता हूँ कि खुशी की बात है कि कुछ चीज़ें बुढ़ापे में नहीं सुने तो ही अच्छा है, लेकिन फिर भी उसकी भी समस्या है, ये मशीन आते हैं, चल नहीं, खा नहीं सकते इसलिए पचा नहीं सकते। तो देखो, हरेक बुढ़ापे हरेक घर में बूढ़े माँ बाप के बिस्तर पर कायम चूर्ण पड़ा है, उसका नाम कायम चूर्ण इसीलिए रखा है कि उनको हर कायम खाना है, डेली दे हैव टू ईट, दैट्स व्हाई उसका नाम भी कायम चूर्ण रखा है। खाते नहीं है इसलिए डाइजेस्ट नहीं होता है तो कॉन्स्टिपेशन होता है। और रही लात बात वो घुटने की, मैं अगर ये लाइफ को तीन स्टेज में डिवाइड करूँ, 25 साल तक मैं मानता हूँ खुद के लिए जीते हैं, पढ़ते हैं कॉलेज में, बचपन होता है कॉलेज में पढ़ते हैं कैरियर बनाने के लिए, 25 से 60 तक फैमिली के लिए जीते हम लोग कि बच्चों को बड़ा कराना, एजुकेशन देना, उनकी शादी कराना, और 60 के बाद खुद से फिर से जीने का मौका मिलता है, उस टाइम हम क्यों बिस्तर में रहें? तो मेरा ये सबसे यही कहना है कि हमको वी वॉन्ट टू एलिमिनेट बुढ़ापा, जैसे कि पोलियो नाबूदी अभियान चल रहा था, ऐसा बुढ़ापा नाबूदी अभियान लेके हम चलना चाहते थे। उस मिशन से 1994 में हमने ये मिशन शुरू किया था, और हम चाहते हैं कि हर कोई बूढ़ा आदमी देख सके, अच्छी तरह खा सके, अच्छी तरह सुन सके और अच्छी तरह चल सके। तो मैं मानता हूँ बुढ़ापे को हम निकाल सकते हैं हमारी लाइफ के स्टेज से। और मेरा ये मैसेज है घर में युवा लोगों को भी कि आपको भी एक दिन बूढ़ा होना है, तो आप नक्की करो आप अपने माँ बाप को बूढ़ा होने देंगे कि नहीं होने देंगे। मेडिकल साइंस आपके साथ खड़ा है और आपके साथ हमेशा रहेगा। एक मिशन था हमारा विक्रम शाह का कि बुढ़ापे में न तो आँख में लकड़ी चाहिए, न आँख में परवस्ता के आंसू, वो मिशन लेके हम चले थे। और आज तक हमने 1,20,000 से ज़्यादा सर्जरी की है, मैं मानता हूँ हमने 1,20,000 बूढ़े माँ बाप की आँख के आंसू पोंछे। तो हम आपको ये सलाह देता हूँ मेरे युवा मित्रों को भी कि जिस माँ बाप ने बचपन में अपने हाथ पकड़ के स्कूल ले गए थे, बूढ़े माँ बाप को जिए तब तक अपने पाँव पे रखे, इसलिए आप उसको सही इलाज कराना और उसको ऐसा महसूस नहीं होने देना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये हमारा मिशन था और हम आपके साथ ही हैं। धन्यवाद।